नमस्कार, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुलाब जामुन बना के दिखाऊंगी। गुलाब जामुन बनाने के लिए आज मैं एक रेडी मिक्स MTR का गुलाब जामुन पैकेट लिया है, इसको मैं बना के दिखाऊंगी। अब मैं इसको एक बर्तन में ले लेती हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। ये बाद में ठीक हो जाता है, परफेक्ट डो बन जाता है। अब देखिए ये ठीक हो गया है। अब मैं हाथ पे थोड़ा घी लगा लेती हूँ। मैं थोड़ा सा घी लगा लूँ। इसको मैं ढक के 10 मिनट रख देती हूँ। अब चाशनी बना लेती हूँ। अब मैं 800 ग्राम शक्कर लूँगी। इस कटोरी का मैंने 2.5 कटोरी शक्कर लिया। अब मैं इसी कटोरी का 2.5 कटोरी पानी लूँगी। चाशनी बनकर तैयार है। ये चिपचिपा हो गया है, मतलब चाशनी तैयार हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ, इसको ढक के रख दूँगी। मैं हाथ में घी लगा लेती हूँ। इसको फिर एक बार मसल के चिकना कर लूँगी। मैं इसमें छोटा छोटा गोला काट लूँगी, इसको मैं गोल करूँगी हल्के हाथों से। ये प्लेट में रखती जाऊँगी। यहाँ पर मैं तलने के लिए सनफ्लावर ऑयल लिया हूँ और इसमें मैं घी, देसी गाय का घी डाल रही हूँ 3 चम्मच, ताकि इसका खुशबू बढ़िया आए। तेल गरम हो चुका है, अब मैं गोला को डाल रही हूँ। ये लो फ्लेम में बनाना है, तभी ये फूलेगा। अब मैं इसको चाशनी में डाल दूंगी। अब मैं इसमें रेगुला को डाल देती हूँ। इसको मैंने 2 घंटा चाशनी में डुबो कर रखी थी, बनकर तैयार हो गई गुलाब जामुन।